हाय दोस्तों, मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। कहानी पूरी देखें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मगधगढ़ गांव के लोग अब जंगलों में रहने लगे थे। लोगों के मन में दुख और डर दोनों था। दुख इस बात का था कि वे सारे लोग अपने गाँव को छोड़कर जंगल में बस गए थे, और डर इस बात का था कि जंगलों में रहने की वजह से कई लोग जंगली जानवरों का शिकार हो चुके थे। जंगली टाइगर्स की वजह से तो लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। लोगों को 3 साल हो चुके थे अपना गांव छोड़कर। बस और 2 साल किसी तरह से जंगल में उन्हें निकालना था। वैसे गांव का हालचाल देखने के लिए जंगल से 1 या 2 आदमी अपने गांव मगधगढ़ जाता था, पर वह वापस कभी लौट कर नहीं आता। इस वजह से लोग और ज़्यादा परेशान थे। मगधगढ़ गांव के मुखिया, जो कि लोगों के साथ जंगल में ही रहते थे, उन्होंने लोगों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तक हम लोगों ने बहुत से लोगों को खो दिया है। इन 3 वर्षों में लगभग 50 से भी ज़्यादा लाशें हमने देखी हैं, और जो लोग गांव में गए थे उन लोगों का तो पता ही नहीं जिंदा हैं भी या नहीं। बस बहुत हो गया, अब कोई गाँव की तरफ नहीं जाएगा। और हाँ, अगर हम एक साथ मिलकर रहें तो जंगली जानवरों से भी हमारे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। और क्या पता हमारे साधु महाराज भी तीर्थ यात्रा से कब लौटेंगे। साधु महाराज होते तो हमारे ऊपर इतनी मुसीबत नहीं आती। मुखिया की बातें सुनकर केदार ने कहा, मुखिया जी, आपने सही कहा कि हम लोगों ने बहुत से लोगों को खो दिया है। जो जंगलों में मरे हैं उनके बारे में तो हमें पता है, पर जो गांव की तरफ गए हैं और लौटे भी नहीं, उनका क्या? वे लोग जिंदा हैं भी या मर चुके हैं या फिर किसी मुसीबत में हैं, यह सारी बातों को हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? मुखिया जी, एक बार आप मुझे अनुमति दे दें, मैं गांव में जाना चाहता हूं। केदार बहुत ही साहसी और ताकतवर युवक था, पर केदार जैसे और भी ताकतवर और साहसी लड़कों को गांव के लोगों ने खो दिया था। इसी वजह से मुखिया जी और भी नौजवान लड़कों को खोना नहीं चाहते थे। नहीं, तू तो क्या, जब तक साधु महाराज नहीं आ जाते कोई नहीं जाएगा। सारे लोग झुंड बनाकर एक साथ रहेंगे, समझे? मुखिया की बातें सुनने के बाद सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए। जब सारे लोग सोते थे तब कुछ नौजवान युवक रात के समय जागकर पहरा देते थे। आज पहरा देने की बारी केदार की थी। केदार के साथ 5 और लोग भी थे। 2-2 लड़के एक साथ बैठे थे। केदार अपने खास दोस्त रंगा के साथ बैठा था। रंगा ने केदार से पूछा, केदार भाई, एक बात बताओ, पिछले 3 वर्षों में जो अपने साथी लोग गांव देखने गए थे उनके साथ क्या हुआ होगा? क्या पता यार, मुझे तो लगता है गांव जाते जाते बीच रास्ते में ही टाइगर का शिकार बन गए होंगे। नहीं केदार भाई, मुझे तो लगता है वे लोग गांव में ही रहने लगे होंगे। नहीं नहीं, हम गांव में नहीं रह सकते। तुझे पता है ना, साधु महाराज ने 5 सालों तक गांव में हम नहीं रह सकते ऐसा कहा था। मैं मान ही नहीं सकता वे लोग गांव में रह रहे होंगे, संभव ही नहीं है। फिर तो मेरी बात सही है, टाइगर ने ही खा लिया होगा सभी लोगों को। रंगा, क्यों ना हम एक बार गांव जाकर देखें? नहीं नहीं, मुखिया जी ने मना किया है। अरे हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, मैं एक रास्ता जानता हूँ, वहाँ टाइगर नहीं आते। क्या कहते हो, कल चलें क्या? और मुखिया जी को पता चला तो? अरे हम कह देंगे कि शिकार पर गए थे और रास्ता भूल गए, हमें आने में समय लग गया। क्या कहते हो, चलोगे ना? ठीक है भाई, तू है तो क्या परेशानी हो सकती है, कल सुबह निकलेंगे, शाम तक पहुंच ही जाएंगे। चल ठीक है। पहरा देते देते रात बीत गई। सुबह सुबह 6 बजे केदार और रंगा लोगों से नजरें बचाकर अपने गांव मगधगढ़ के लिए निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो चुका था। वे लोग एक नदी के किनारे पर थे। नदी का पानी पीकर किसी तरह से दोनों ने नदी पार कर ली। फिर वे दोनों चलने लगे। शाम हो गई और वे लोग गांव की सीमा रेखा पर पहुंच गए। उन्होंने गांव की सीमा पर बने अपने पुराने विष्णु भगवान के मंदिर को
हाथ जोड़कर नमन किया। फिर थोड़ी दूरी पर एक गरुड़ देव की मूर्ति को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करके गांव में प्रवेश किए। मंदिर से गांव लगभग 1 किलोमीटर दूर था। वे लोग चलने लगे। अपने पुराने घरों को देखकर वे दोनों खुश हो गए। दोनों गांव के अंदर पहुंच चुके थे। गांव में घूमते घूमते और अपने पुराने साथियों को ढूंढने में रात हो गई। रंगा ने केदार से कहा, भाई केदार, गांव तो पूरा खाली ही है, हमारे पुराने साथी कहीं नहीं है। मुझे तो डर भी लग रहा है, चलो निकल चलते हैं यहाँ से। हाँ चल चलते हैं। हाँ पर मेरे घर के अंदर एक बार जाकर आऊँ, देखूँ तो मेरे घर का क्या हाल है। केदार और रंगा दोनों केदार के घर के अंदर चले गए। घर का हाल काफी बुरा हो चुका था। दोनों यहाँ वहाँ देख रहे थे, तभी किसी के गुर्राने की आवाज आई। अबे केदार, ऐसी डरावनी आवाज मत निकाल यार, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। आवाज तो मैंने भी सुनी है, पर आवाज मेरी नहीं, बाहर से आई है। डरावनी आवाज सुनकर रंगा और केदार घर से बाहर आ गए, पर बाहर कोई नहीं था। केदार ने रंगा से कहा, अरे यार शायद कोई जानवर रहा होगा, तू बाहर ही खड़े रह, मेरे घर में एक पुरानी फोटो है, उसे मैं लेकर आता हूँ, फिर हम चलेंगे। रंगा घर के बाहर ही खड़ा था और केदार अपनी पुरानी फोटो लेने घर के अंदर चला गया। केदार घर के अंदर पहुंचा ही था कि बाहर से जोर जोर से रंगा के चिल्लाने की आवाज आई, केदार केदार भाई जल्दी आ, जल्दी आ, बचा ले मुझे, जल्दी आ। रंगा की आवाज सुनकर केदार दौड़ता हुआ घर के बाहर आया और उसने रंगा को देखते ही कहा, भाग रंगा भाग जा वहां से, कहीं मत रुकना, भाग जा। रंगा ने अपने कदम पीछे हटा लिए और रंगा के आगे केदार खड़ा हो गया। रंगा ने कहा, नहीं नहीं मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं भागूंगा। तू जा, मेरी चिंता मत कर, हम दोनों मर जाएंगे, मेरे भाई भाग जा, मैं इसे संभालता हूँ। केदार के सामने एक बहुत ही खतरनाक शैतान खड़ा था। रंगा ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई और वह शैतान केदार की ओर बढ़ा। उस शैतान के भयानक रूप से केदार भी बहुत ज़्यादा डर चुका था, पर साहस दिखाकर केदार उसका सामना करने लगा। पर केदार उस भयानक शैतान के सामने टिक नहीं पाया और उस शैतान ने केदार को मार दिया। अब रंगा भी दौड़ते दौड़ते गरुड़ देव की मूर्ति तक पहुंच चुका था कि उसने अपने पीछे शैतान को आते देखा, पर शैतान आगे नहीं आ पा रहा था। फिर रंगा थोड़ी दूरी पर बने भगवान विष्णु के मंदिर में चले गया। रात भर रंगा मंदिर में बैठा रोता रहा। फिर सुबह वह जंगल के लिए निकल पड़ा। वहां गांव के लोग भी रंगा और केदार की तलाश कर रहे थे। लगभग शाम के समय रंगा जंगल में अपने गांव वालों के सामने पहुंच गया और रंगा ने सारी बातें गांव वालों और मुखिया को बताई। बातचीत चल ही रही थी कि वहां पर साधु महाराज अपने एक शिष्य के साथ पहुंच गए। सारे लोग साधु महाराज को देखकर काफ़ी खुश हो गए और साधु महाराज की सेवा में लग गए। फिर गांव के मुखिया ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बुरा हो गया। बहुत से लोग जंगलों में जानवरों का शिकार हो गए और कुछ लोग गांव में जाने की वजह से फिर नहीं लौटे। और जब आखिरी बार केदार और रंगा गांव गए थे तो केदार को वहां एक दानों ने मार दिया। रंगा किसी तरह से बचकर भाग आया है। मैंने पहले ही कहा था 5 वर्षों तक जंगलों में कोई नहीं जाएगा, साधु महाराज के साथ आए शिष्य ने कहा। साधु महाराज, क्या हम उस शैतान को नहीं मार सकते? और यह 5 वर्षों का क्या रहस्य है? तो दोस्तों, क्या रहस्य है 5 साल का? क्यों गांव वाले अपना घर खेत जगह जमीन छोड़कर जंगलों में आने को मजबूर हो गए? दोस्तों, मैं फिर लौटूंगा इस कहानी के सेकेंड पार्ट को लेकर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई स्टोरी आप तक पहुंच सके। तो मैं फिर लौटूंगा आपके लिए गरुड़ा का सेकेंड पार्ट लेकर। धन्यवाद।